महाभारत काल से बसा है कैथल शहर। पुराणों के मुताबिक इसे युधिष्ठिर ने बसाया था और भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान भी इसे माना जाता है। पुराने समय में कपिस्थल था जो बाद में कैथल हो गया। वैदिक सभ्यता के समय कुरु साम्राज्य का कपिस्थल एक प्रमुख भाग था। जब हरियाणा पंजाब में शामिल था तब इस इलाके की हालत काफी खराब थी, लेकिन हरियाणा गठन के बाद से विकास की पयार बही। 1967 से अस्तित्व में आई कैथल सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 12 बार विधानसभा चुनाव हुए। 1967 चुनाव में कांग्रेस के ओम प्रभा जैन चुने गए। इस सीट पर 8 बार कांग्रेस विधायक जीते। 2005 में कांग्रेस के शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जीत हासिल की। 2009 में रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा और जीते। 2014 में भी रणदीप सुरजेवाला ने जीत को बरकरार रखा। INLD के कैलाश भगत को 23,675 वोटों से हराया। कैथल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आता है। सुरजेवाला परिवार की वजह से ही ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। अपने पिता से मिली विरासत को रणदीप सुरजेवाला ने थामा तो सही, लेकिन संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मुद्दों की बात करें तो विकास का मुद्दा सबसे अहम रहा है। प्रदेश और केंद्र में BJP की और विपक्ष की सरकार होने की वजह से विकास की गति को तेजी नहीं मिल पाई। कांग्रेस के केंद्रीय राजनीति को संभालने में रणदीप सुरजेवाला इतने व्यस्त हो गए कि विधानसभा क्षेत्र में मौजूदगी कम होने लगी, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। सुरजेवाला लगातार विधानसभा की बैठकों से गायब रहे। उन पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो हाई प्रोफाइल नेता हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने कैथल विधानसभा क्षेत्र के हितों की बात रखने में असफल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसी वजह से जनता और विरोधी भी कहते हैं कि सुरजेवाला दिल्ली की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लगभग पिछले 5 वर्षों से तो कैथल में जो कार्य होना था वो नहीं हुआ। विकास के कार्य 5 साल पहले हो गए। सरकार ने नया कुछ नहीं किया। जो भी विकास हुआ 5 साल से पहले हुआ है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पे विधायक थे, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। कैथल में गैर जाट वोटरों का दबदबा। कैथल में 191,717 वोटर, पुरुष मतदाता 1,135, महिला मतदाता 82,836, जाट मतदाता 41,000, पंजाबी 22,000, अग्रवाल 20,000, गुर्जर 20,000, सैनी 16,000। कैथल विधानसभा सीट पर गैर जाट वोटरों की संख्या ज्यादा है, वही तय करेंगे कि अब की बार विधायक की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। कैथल से रेनू धीमान की रिपोर्ट, R9 TV।